Barbie, welcome back to my YouTube channel. I hope you all are doing well. So today I'm gonna show you simple makeup look for Eid. ये बहुत ही simple सा makeup है, आप इसे Eid में ज़रूर try कर सकते हैं. ये Eid makeup look मैंने खास Eid के लिए ही तैयार किया है. So without time wasting, let's get started. यहाँ पर मैं face को moisturize करने के लिए Nivea का moisturizer ले रही हूँ. आप ध्यान रखें कि अगर आपके नेल्स बड़े हैं तो हमेशा जो भी प्रोडक्ट आप यूज़ कर रहे हैं उसे पीछे की तरफ से निकालें, ताकि वो जो प्रोडक्ट है आपके नाखून के अंदर ना चला जाए. फेस को अच्छे से मॉइस्चराइज़ कर लूँगी मैं, ताकि फेस अच्छे से मॉइस्चराइज हो, और अगर अच्छे से मॉइस्चराइज होगा तो अच्छे से मेकअप भी होगा. इसके बाद मैं अपने लिप्स को मॉइस्चराइज़ करने के लिए यूज़ कर रही हूँ यहाँ क्रेजी लिप का लिप बाम. आप कोई भी लिप बाम यूज़ कर सकते हैं. इसके बाद मैं कंसीलर ले रही हूँ हिलरी रूडा का. यहाँ पे मैं कंसीलर यूज़ कर रही हूँ. अब आप बोलेंगे यहाँ ब्यूटी ब्लेंडर मैं भिगो क्यों रही हूँ. अगर आप पानी में उसे अच्छी तरह से गीला कर लें और उसको अच्छी तरह से एक कॉटन कपड़े में अच्छी तरह से उसका जो एक्स्ट्रा वाटर है उसे निकाल लें, तो बहुत ही अच्छे से वो अच्छे से ब्लेंड होता है. आप देख सकते हैं मैं हैंड पे दिखा रही हूँ, उसमें से पानी उसमें का ख़त्म हो चुका है, वो ज़्यादा एक्स्ट्रा वाटर है जो. उसे देखिए कितना ईजिली मेरा कंसीलर ब्लेंड हो रहा है, बहुत ही ईजली. ये हैक मुझे बहुत अच्छा लगता है, मैं हमेशा जब भी ये करती हूँ. इसके बाद मैं अपने आईज़ को सेट करूँगी अपने स्किन टोन अंडर आई शेडो से. वो आपके आई शेडो पैलेट में देता है हमेशा से. मैं अपने वो ऊपर आईज़ को जहाँ मैंने कंसीलर लगाया था उससे मैं उसे सेट कर लूँगी यहाँ पे. उसके बाद मैं ले रही हूँ ब्राउन आई शेडो, जिससे मैं अपने ब्राउज फिल करूँगी. आपको जैसे ब्रॉज पसंद है वैसे ही आप फिल करें, थिक या ज़्यादा पतले. मुझे थोड़े थिक ही पसंद है, इसलिए मैं इसे थोड़ा थिक फिल करूँगी. यहाँ मेरे ब्रॉज कंप्लीट हैं, वो दोनों फिल हो चुके हैं. अच्छा, इसके बाद मैं यूज़ करूँगी ब्राउन न्यूड आई शेडो, जो मैं क्रीज लाइन के ऊपर लगाऊंगी. अपने लगा रही हूँ क्रीज लाइन के ऊपर. अच्छे से उसे ब्लेंड करें, ताकि एक्स्ट्रा प्रोडक्ट रहना जाए, अनवांटेड जो है वो अच्छे से ब्लेंड हो जाए. इसके बाद मैं यूज़ कर रही हूँ डार्क ब्राउन न्यूड आई शेडो, जो अपने कट क्रीज लाइन पे लगाऊंगी मैं, ताकि थोड़ा डार्क क्रीज लाइन दिखे मेरा. यहाँ पे मैं यूज़ कर रही हूँ अपने आईज कॉर्नर के लिए डार्क ब्लैक आई शेडो. ध्यान रहे कि आप जो लगा रहे हैं कॉर्नर पे आई शेडो वो थोड़ा डार्क लगाइए, ताकि आईज थोड़ी अट्रैक्टिव दिखे. अगर डार्क कॉर्नर रहता है तो, अगर कट क्रीज बना रहे हैं, अगर डार्क कॉर्नर रहता है तो काफ़ी खूबसूरत आईज दिखती हैं. इसके लिए मैंने 2-3 बार उसे अच्छे से लगाया है, ताकि अच्छे से ब्लैक कलर थोड़ा उभर के आए, स्मोकी आईज टाइप. इसके बाद मैं सेम कंसीलर ले रही हूँ हिलरी रूडा का कट क्रीज बनाने के लिए. इसके बाद मैं ले रही हूँ एक एंगल ब्रश, ताकि इससे आपकी अच्छी तरह से एंगुलर ब्रश से अच्छे से कट क्रीज कट हो जाती है. ये बहुत ही सिंपल कट क्रीज मैंने दिखाया है यहाँ पे,
बस सिंपल जहाँ जहाँ तक आपको कटक्रीज बनानी है वहाँ तक एक एंगुलर ब्रश से कंसीलर को ब्लेंड कर लें। यहाँ पे मैंने वहाँ पे उसको ब्लेंड कर लिया। उसके बाद मैं यूज़ कर रही हूँ वाइट आई शेडो ताकि मैं अपने वो जो मैंने कंसीलर लगाया वो सेट हो जाए। यहाँ मेरा जो कंसीलर है वो अच्छी तरह से सेट हो चुका है। इसके बाद मैं यूज़ कर रही हूँ डार्क गोल्डन शिमरी आई शेडो जो मैंने कट क्रीज बनाया है उसके ऊपर अप्लाई करने के लिए। यहाँ मैं यूज़ कर रही हूँ इसे अच्छे से। यहाँ मैंने यूज़ कर लिया है गोल्डन आई शेडो, आप देख सकते हैं थोड़ी अच्छी आईज में ये दिख रही है। इसके बाद मैं यहाँ ब्लू हेवन की आई लाइनर ले रही हूँ और जहाँ तक मेरी आई शेडो है वहाँ तक मैं एक लाइन ड्रॉ कर रही हूँ और वहाँ से डायरेक्ट जहाँ तक आपको आई लाइनर चाहिए वहाँ से डायरेक्ट खींच के आप बहुत ही आसानी आई लाइनर लगाने का तरीका है। जहाँ तक आपको चाहिए वहाँ तक खींच लो और वहाँ से डायरेक्ट वहाँ से एक लाइन ड्रॉ कर लें। यहाँ आगे थोड़ी सी मैं आगे भी मैंने लाइनर लगाया है कैट आई की तरह। इसके बाद मैं यूज़ कर रही हूँ मैक का वाइट काजल। इससे क्या होता है कि आपकी आईज थोड़ी बड़ी दिखती है वाइट काजल लगाने की। यहाँ पे मैं यूज़ कर रही हूँ ब्लू हेवन का मस्कारा। यहाँ पे मैं फॉल्स लैशेस का यूज़ नहीं करूँगी क्योंकि थोड़ा सिंपल ही मेकअप रखना है। यहाँ पे मैं प्राइमर के लिए यूज़ कर रही हूँ स्विस ब्यूटी का प्योर प्राइमर। ये बहुत ही अच्छा होता है और बहुत ही स्मूथ ये अप्लाई हो जाता है, मुझे ये बहुत पसंद है। मैं अच्छे से अपने चेहरे को प्राइम कर लूँगी। फेस को प्रेप करना बहुत ही ज़रूरी होता है, अगर अच्छे से आपका फेस प्रेप होगा तो अच्छे से मेकअप भी होगा। इसके बाद मैं यूज़ कर रही हूँ प्योर्स फेस ब्यूटी इल्यूमिनेटर। इससे क्या होगा ना कि आपका फेस ग्लो करेगा, थोड़ा मुझे ग्लोई फेस चाहिए इसके लिए। वो ये अक्सर ना यही होता है, मेरे फेस पे हमेशा एक्स्ट्रा गिर जाता है। मुझे क्या बताऊँ, मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था लेकिन कंट्रोल किया मैंने, इसे अच्छे से ब्लेंड किया। मुझे पता है ये ज़्यादा प्रोडक्ट हो गया था लेकिन फिर भी मैंने मैनेज कर लिया। अच्छा, इसके बाद मैं यूज़ करूँ लैक्मी का इनविजिबल फाउंडेशन। इसका शेड है 02। आपका जो शेड है वो वही यूज़ करें आप, मेरा शेड अंडर 02 है। इसके बाद मैंने वो जो ब्लेंडर मैंने भिगोए थे वही ब्लेंडर मैं यूज़ करूँ। आप देख सकते हैं कितना ईजली मतलब स्मूथ कितना अप्लाई हो रहा है। उसके बाद मैं वो सेम हिलरी रूडा का कंसीलर अपने अंडर आइज के नीचे यूज़ कर रही हूँ। मैं थोड़े सी क्वांटिटी लूँगी ताकि मेरा ज़्यादा डार्क सर्कल नहीं है। इसके बाद मैं यूज़ कर रही हूँ लूज़ पाउडर। लूज़ पाउडर के लिए मैं ले रही हूँ लैक्मी सनस्क्रीन लूज़ पाउडर। इसे मैं अपने अंडर आइज के नीचे थोड़ा बेक कर लूँगी और चीक के आसपास थोड़ी यूज़ कर रही हूँ मैं। इसके बाद मैं कॉन्टोरिंग के लिए ले रही हूँ ब्राउन आई शेडो। एक्चुअली ये आई शेडो में सब कुछ है, हाइलाइटर भी है और कॉन्टोरिंग भी है, सब कुछ है इस और आई शेडो भी है, इसलिए मैं इसमें से ज़्यादातर सब ये मेरा फेवरेट है। और ब्लश के लिए उसमें पिंक शेड है, उसके लिए मैं ब्लश यूज़ कर रही हूँ। यहाँ मेरा एक्स्ट्रा ब्लश हो गया, इससे कोई बात नहीं, आप इस टाइप का अगर आपके पास कोई भी ब्लेंडर हो उससे एक्स्ट्रा ब्लश हटा सकते हैं। इसके बाद जो मैंने कॉन्टोरिंग फेस की थी उसे अच्छी तरह से मैंने ब्लेंड कर लिया और एक्स्ट्रा मेरा जो पाउडर था लूज पाउडर उसे भी मैंने हटा लिया। आप देखिए कितना चेहरा निखर के आया है। इसके लिए हाईलाइटर के लिए मैं यहाँ पर ले रही हूँ मालियो इंस्टेंट ग्लो शिमरी ब्लू वॉश ऑफ का हाइलाइटर। ये बहुत ही अच्छा है, इसमें आप 5 हाइलाइटर शेड्स मिल जाते हैं। इसके बाद मैं एक न्यूड लिपस्टिक यूज़ कर रही हूँ, ये चॉकलेट न्यूड ब्राउन का शेड है।
उसके बाद मैंने इस पे कुंदन की रिंग वेयर्स किए हैं और ये मेरा फाइनल लुक है।